दोस्तों, पागलपन अपने सपने को हकीकत में पूरा करने के लिए ये कोई रोग नहीं है। ये जिद है कि साला अब तक किसी भी हाल में पाना ही पाना है, चाहे उसके लिए कितना भी मेहनत क्यों नहीं करना पड़े। और ऐसे ही जिद और पागलपन बड़ी कहानी है टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन रतन टाटा की। जब वो पैसेंजर ऑटोमोबाइल के सेक्टर में एंट्री किए तो उन्हें लॉस का सामना करना पड़ा और इसीलिए उन्होंने अपने सेटअप को बेचना चाहा। और अपने सेटअप को बेचने के लिए वो और उनकी टीम फोर्ड मोटर के ओनर विलियम क्लेफोर्ड के पास गए, पर उनकी घमंडी रवैये ने इनके अंदर का पागलपन और जिद को जगा दिया और सर रतन टाटा ने अपनी टीम के साथ वापस इंडिया लौटाए और अपनी टीम के साथ इतना मेहनत किया कि टाटा मोटर्स को सक्सेस के शिखर तक पहुंचा नहीं दिया, बल्कि फोर्ड के डूबते हुए लग्जरी ब्रांड लैंड रोवर और जैगुआर को भी खरीद लिया। दोस्तों, ऐसे जिद्दी और पागल लोग हमेशा अपना अपमान के बदला लड़कर नहीं बल्कि अपने सक्सेस से देते हैं। आज का टॉपिक है फेलियर। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी काम में फेल हुए हैं तो आप अपनी कमी को पहचान सकते हैं और अपनी कमियों को सुधार भी सकते हैं। इसीलिए लाइफ में फेलियर भी आना ज़रूरी है, क्योंकि बिना फेलियर के हम अपने अंदर के ताकत और कमियों को नहीं जान सकते। इससे एक कहावत याद आती है कि फेलियर वो नहीं जो फेल हुआ, बल्कि फेलियर तो वो है जो फेल के डर से एक और कोशिश नहीं की। इसीलिए लाइफ में ठोकरें इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। दोस्तों, आप हिस्ट्री उठा के देख लेना कि दुनिया के ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग अपने लाइफ में कभी ना कभी फेल हुए हैं।